फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा नर और मादा की पहचान कैसे करें। वैसे तो नर और मादा में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस उनके साइज का फर्क होता है। और आप जो नर की पहचान करेंगे उसका जो आगे का सीना होगा वो थोड़ा मादिन से बड़ा होगा, चोंच उसकी थोड़ी मोटी होगी और मादिन की चोंच जो होगी वो बारीक होगी। सर भी उसका मादिन से थोड़ा नर का बड़ा होगा। और आप नर की पहचान जो कर सकते हैं वो उसके घुटकने से कर सकते हैं। पहचान और है नर और मादा की, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कबूतर को उल्टा करने से उसकी पहचान हो जाती है। ये 80% सही है कि इससे हो जाती है। अभी मेरे हाथ में एक नर है तो मैं इसको अभी करके देखता हूँ कि ये पलटता है नहीं पलटता है। देखा कि आपने ये नर है और ये पलट नहीं रहा है, तो ये भी इससे पक्का नहीं होता है कि ये मादिन है या नर है। नर का जो गला होता है वो मादिन से थोड़ा फूला हुआ होता है, तो उससे भी एक पहचान हो सकती है मादिन की। और बस यही बताना था आपको। और मादिन का बाजू भी थोड़ा छोटा होता है नर के मुकाबले। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मस्तीदार एडिक्शन और बेल आइकन को दबाएं हमारी हर अपडेट आप तक मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।